मैं सच बताऊं, मैंने ओलंपिक के लिए सोचा नहीं था, क्योंकि मेरे उम्मीद के बाहर थी ओलंपिक। एशियन गेम्स लास्ट ईयर जैसे मेरा मिस हो गए, तब से मैं कुछ चीज़ का टारगेट नहीं बनाती हूँ। बस मेरा एक ही चीज़ है कि मैं कंपटीशन में अपने बेस्ट थ्रो करूँ और नेशनल रिकॉर्ड करूँ, बाकी जो देने वाला है ऊपर वाला देंगे। ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर मेरा जो होप था कि मैं इंडिविजुअल क्वालिफाई करके जाऊँ, मतलब जो 1880 का जो मतलब क्वालिफाई मार्क्स रखा है, मैंने एक्चुअली ओडिशा में किया था 18.85, तो अनफॉर्चुनेटली वो थ्रो फाउल हो गए। पर लास्ट दो वीक से मेरा थोड़ा सा ट्रेनिंग डिस्टर्ब हो रहा है, तो इसकी वजह से मैंने इस कंपटीशन में अच्छा किया नहीं। तो आई होप कि अभी मेरे पास एक महीना टाइम है, तो मैं जी जान लगा के ट्रेनिंग करूँगी और ओलंपिक जाके अपने बेस्ट थ्रो करके न्यू नेशनल रिकॉर्ड करके आऊँगी। स्पेशल एम मेरा सोच है कि मैं उधर जाके अपना पर्सनल बेस्ट करूँ, मेडल का मैं सोचूंगी नहीं, मेरा पर्सनल बेस्ट करने का सोचूंगी। नहीं, मैं कुछ चीज़ का प्रेशर नहीं लेती हूँ, एंजॉय करती हूँ, गेम को एंजॉयमेंट के हिसाब से मैं लेती हूँ। और अच्छा बात है, अपने देश का हार्ड स्पोर्ट्स के तरफ मेरा इवेंट भी ग्रो कर रही है, काफ़ी अच्छे लड़कियाँ जिसने मतलब 18 मीटर के करीब गोला मार रही है, एक दो लड़कियाँ, तो अच्छा लग रहा है। और फ्यूचर में जाके हमारा जो टारगेट है 20 मीटर ऐसा क्रॉस करने का, तो वो धीरे धीरे होगा। मैं फिलहाल NCOE के अंडर पटियाला में ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो फिर ट्रेनिंग मेरा पटियाला में बहुत सही चल रहा है, क्योंकि पटियाला जो कैंप है NCOE का, उसमें हर तरीके से फैसिलिटीज़ वगैरह दिया जाता है, और बाकी जो है फेडरेशन भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो बाकी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है।